हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर के बारे में। स्टैंडर्ड एरर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मेजरली ये स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में यूज़ होता है। तो आज मैं पहले इसका फार्मूला बता दूंगा आपको, जिस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि आप मैंने जो हाईलाइट कर दिया है, ऐसी मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, जो मेरी भाषा में स्टैंडर्ड एरर बुलाता हूँ मैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो साइन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ST स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, और अंडर रूट इसके n में है। तो n का मतलब होता है इसमें, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो आइए नीचे आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर है, तो हमारे पास एक गिवन डाटा है जिसकी 5 WFHAS, तो ये 5 नाम है इसमें। तो मैंने पहले ही नंबरिंग इनको दे दी है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर, इनको 4-5 मैंने नंबरिंग दे रखी है यहाँ पे। और ये हमारे नंबर ऑफ, मतलब जो हमारा डाटा एंट्री हुई है वो ये वाली हुई है। और यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू दी रखी है, एक्स की मतलब जो वैल्यू होती है वो दे रखी है। तो अब हमारा जो इसमें टोटल आउटकम निकल के आता है, जो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आता है 811.5। 811.5 हमने इसको सम कर लिया, मतलब जब आप सम कर लेंगे, 150 हो गया का सम कर लेंगे आप 170 से, समझ रहे हैं, फिर जो आएगा उसका 160 से, 161, 170, ऐसे जब आप प्लस करते चलेंगे, एक्स की सारी इन वैल्यूज को आपको प्लस कर देना। जब आप सम कर देंगे सबका, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी वो रहेगी 811.5। तो ये आपका पॉइंट है। अब इसका क्या है, अब हमें एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार का मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्स बार का सिंपल फार्मूला होता है कि जितना भी ये टोटल आउटकम आया है इसका डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जो जैसे कि यहाँ पे 811.5 आ गया, ठीक है, 811.5 आ गया, तो इसका डिवाइड कर देंगे अपन 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही है ना। और यहाँ पे लिख देंगे 811.5, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसमें आपका जो आएगा एक्स बार निकल के आ जाएगा आपका इसका, तो एक्स बार जो आपका निकल के आएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो एक्स बार जो निकल के आ जाएगा आपका वो होगा 162, क्योंकि मैं 811.5 को डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से। तो ये आ गया जो कि है 162.3, जो एक्स बार है जी। तो हमें एक्स बार को जो रहेगा, जो जो एक्स बार निकल के आया है, इसको हमें माइनस कर देना एक्स से। तो एक्स जो है यहाँ पे, एक्स से माइनस कर देंगे हम एक्स बार को, तो ये अपन का जो आया है एक्स आया है 150, पहला एक्स है अपना 150, तो 150 का अपन माइनस कर देंगे 162 से, ठीक है। तो जो उसका इस 150.5 से जब अपन एक्स बार का माइनस करेंगे 162.3 का, तो जो निकल के आएगा, वो रहेगा हम माइनस 11.8। तो ऐसे ही जब हम क्या कहते हैं 170 का 162 में माइनस करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 7.7, ठीक है। और फिर 160 ही है, तो 160 का हम 162 में फिर माइनस करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो रहेगा -2.3, ठीक है। फिर हम जो हमारा रहेगा 161.0, उसका जब हम माइनस करेंगे 162.3 से, तो जो निकल के आएगा वो रहेगा -1.13, ठीक है। फिर जब हम 170.5 का 162 से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो रहेगा 7.7। तो ये जो रहेगा पूरा हमारा डाटा आ जाएगा ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। और फिर हम जो भी ये डाटा आया,
उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे -11.8 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 139.24 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर हम 7.7 का स्क्वायर करेंगे, 7.7 का स्क्वायर करेंगे तो 59.229 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम -23 का करेंगे तो 5.29 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम -1.3 का करेंगे तो 1.69 आ जाएगा। फिर 7.7 का करेंगे तो 559.2 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास डाटा, अब जो ये हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया, जो उसका स्क्वायर करा, इन वैल्यूज़ का जो हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ जो हमने यहाँ से लिख दिए, तो इन सब का जब हम सम करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का जो हम सम करेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो रहेगी 324.09। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी मेन वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसमें आपको समझ जाना चाहिए। तो अब जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं तो हमारा जो फाइनल काम बनता है वो है कि हम जो हमारा फॉर्मूला है हम उसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो पहले नंबर तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो आप सभी को शायद पता होगा, √1/n x-x बार द होल स्क्वायर। तो x-x बार समेशन ऑफ x-x बार द होल स्क्वायर, समेशन मतलब होता है जो सब इस सब की टोटल वैल्यू हो उसके समेशन को ही अपन कहते हैं समेशन ऑफ x-x बार द होल स्क्वायर, जो कि क्या है 324.09 है, जी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस वैल्यू को रखेंगे और इसके बाद इस देखिए वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। और 1/n रखना है पहले इसकी, तो n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 5। तो 1/n और इनटू कर देंगे जो ये पूरी वैल्यू इससे समेशन ऑफ x-x बार द होल स्क्वायर। जब हम इतना कर देंगे तो जो हमारा अंडर रूट के बाद आंसर आ जाएगा वो रहेगा 8.10509। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये तो आंसर नहीं है, ये अभी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल दिया। इसके बाद जो हमारा होगा, अब हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब SE में। SE का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का n, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा पहले। तो देखिए 5 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अंडर रूट में 5 आ गई फॉर्मूले के अनुसार। शुरू की ऊपर की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं जे स्टैंडर्ड डिवीजन का निकल गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट जो आप इसका करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकल के आता है 2.23। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है, तो ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे अपन को, नहीं हुई सम बड़ा हो जाएगा। फिर इसका जो रहेगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और जो डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा वो रहेगा आपका 3.6102। तो यही मेन आंसर है आपका, यही है स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस सम। तो ऐसे आप इसको पता लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे लिए ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो पे ज़रूर लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।